टॉप 10 मेड इन कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो फाइनली गाइज लेकर आ चुका हूँ न्यू गेम कार फॉर सेल के मीत एंड बस्टर। तो हाँ, तो गाइज न्यू गेम कार फॉर सेल की फर्स्ट वीडियो होगी मेरी एंड मीत एंड बस्टर की। गाइज आप लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड रखी कार फॉर सेल के मीत एंड बस्टर की, तो हाँ तो गाइज मैं न्यू कार फॉर सेल के मीत एंड बस्टर लेके आ चुका हूँ। काफी ज्यादा अमेजिंग मीत बस्टर होने वाले हैं। तो हाँ तो गाइज मैं आपको पहली बतला दूं, ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। मैं आपको पहली कहता हूं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता अपने वीडियो को लाइक कर देगा। चलो गाइज मीत की ओर चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइज फर्स्ट मीत है, मीत एक बार स्लिप करने के बाद आप 8 सेकंड बाद ही स्लिप कर सकते हो, 8 सेकंड से पहले स्लिप नहीं कर सकते। तो गाइज भाई के मीत का कहना है जहां हम सोने जाते हैं। अब देखो गाइज आपका बड़ा घर होगा बट मैं तो कंटेनर पर सोता हूँ क्योंकि मेरा न्यू गेम स्टार्ट करा हुआ है, तो जल्दी से मैं कंटेनर पर चलता हूं। तो गाइज देखो इस वाले होम में सोता हूं, ये होम का कंटेनर है। चलो भाई मैं इसमें ही हर बार सोता हूं क्योंकि मेरे पास अभी मोटा पैसा नहीं है। जैसे मोटा पैसा कमाऊंगा फिर मैं एक न्यू घर खरीदूंगा, यानी भाई बड़ा करूंगा अपने घर को। अब गाइज देखो नेक्स्ट डे होने के बाद, जैसे नेक्स्ट डे होता है ना, अब मैं इसे स्लिप नहीं कर सकता 8 सेकंड तक। तो भाई का मीत बिल्कुल देखो भाई बिल्कुल राइट है, यानी मैं 8 सेकंड तक इसे स्लिप नहीं कर पा रहा। और तो और गाइज देखो 8 सेकंड बाद स्लिप का ऑप्शन आ चुका है, तो गाइज भाई का मीत होता है बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट मीत है, मीत अगर कार के हेडलाइट को ब्लैक कलर करेंगे तो कार की हेडलाइट ब्लैक हो जाएगी। अब गाइज देखो मुझे इस गेम की ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस गेम को फर्स्ट बार ही ओपन करा, यानी भाई खेल रहा हूं उसके मीत एंड बस्टर पर। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे भाई थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, फटाफट से इस मीत को या कंफर्म या बस्ट करते हैं। तो हां तो गाइज मैंने इसे अपनी जगह पे लगा दे कुरड, अब देखना है इसकी हेडलाइट ब्लैक होती है क्या नहीं। तो फटाफट से सारे कलर चेंज करके देखेंगे, हम कलर वाले ऑप्शन पे भी आ चुके हैं। बट गाइज हमने देखो सारे कलर चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग देख सकते हो गुलाबी भी हो रहा है, पीला भी हो रहा है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इसके हेडलाइट के सारे कलर चेंज हो रहे हैं बट इसका ब्लैक ही कलर नहीं लग पा रहा। बट भाई का कहना था कि ब्लैक कलर भी चेंज हो जाता, तो ब्लैक कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, यानी लग नहीं पा रहा। तो भाई का मीत होता है बिल्कुल बस्ट। ओके तो नेक्स्ट मीत है, मीत आप रेड बार से बियर खरीदने के बाद नाइट बोर्ड या ऑफिस जाकर वापस आए तो आपको आदमी चेंज दिखाई देगा। तो गाइज मैं रेड बार में बियर खरीदने के लिए आ जाता हूँ, फटाफट से अंदर जाके देखते हैं भाई बियर खरीदने के बाद दोबारा आएंगे फिर देखेंगे कि बंदा बदलता है क्या नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इस टाइम पे एक लड़की खरीदी है, सब बियर खरीदते हैं, फटाफट से मैं दोबारा में आऊंगा फिर देखूंगा कि भाई कौन खड़ा होगा। तो चलो गाइज फटाफट से अपने ऑफिस पे चलते हैं, फिर दोबारा से खरीदने आएंगे बियर, फिर देखेंगे। बट एक सेकंड गाइज ये शराबी कौन खड़ा था। चलो गाइज फटाफट से अपने पहुंचते ऑफिस की ओर। तो देखो गाइज मैं अपना लंबा टूर लेकर वापस आ चुका हूँ बट मुझे अंदर जाके ये देखना होगा, पहले तो हमारी लड़की खड़ी थी बट अब देखना होगा कौन खड़ा हुआ है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो फाइनली इस टाइम पे भाई हमारा लड़का खड़ा हुआ है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो हमारा कैरेक्टर बदला है, पहले गलती अब लड़का आ चुका है जैसे भाई ने मीत में बोला, तो भाई का मीत बिल्कुल कंफर्म है। ओके तो अगला मीत है, मीत आप सबसे पहले वाली कार फॉर सेल में कार को रिपेयर में लगा के उसमें बैठ सकते हैं। तो गाइस भाई के मीत का कहना है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम भाई रिपेयर के लिए गाड़ी डालते हैं ना, जैसे हमारा रिपेयर करने लग जाता है मैकेनिक, जब हमारी गाड़ी ऊपर की ओर जाती है ना तो हम भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, भाई का मीत का ऐसा कहना है। तो चलो गाइस फटाफट से इस मीत को करते हैं, मैंने भाई रिपेयर पे भी लगा दिया, मैं ऊपर की ओर बैठ के देखता हूँ एंटर। ओ हाँ भाई फाइनली आप लोग देख सकते हो भाई मैं बंदा रिपेयर कर रहा है और मैं बैठ चुका हूँ, मैं पूरा व्यू देख रहा हूँ आगे से लेकर पीछे तक। भाई ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग मीत है। तो गाइस भाई का मीत है बिल्कुल कंफर्म। ओके तो नेक्स्ट मीट है, मीत कार फॉर सेल में गैराज पर पेपर उठाने पर ईएक्सपी मिलता है। अब गाइस देखो बहुत से लोगों को ईएक्सपी के बारे में पता होगा बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, चलो मैं आपको बदलाता हूँ। ईएक्सपी का मतलब होता है जैसे भाई बार्गेनिंग कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन खुलते हैं गाइस। तो देखो गाइस हम गैराज पे जैसे पेपर उठा रहे हैं ना तो हमें फाइनली ईएक्सपी मिल रही है, आप लोग देख सकते हो जो लिखा लिखा हुआ आ रहा है ना ये हमारी ईएक्सपी है। तो देखो गाइस जैसे मैं पेपर उठा रहा हूँ तो भाई मेरे कुछ ना कुछ आइटम खुलेगा, तो देखो भाई का मीत होता है बिल्कुल कन्फर्म। तो अगला मीत है, मीत ये है कि अगर आप स्लो गाड़ी के रिवर्स में चलाओगे तो वो स्लो गाड़ी एकदम तेज हो जाएगी। तो देखो गाइज मैंने अपनी गाड़ी को निकाल लिया बट मुझे पहले आगे की ओर चलाना, देखना आगे कितनी तेमानी, तेज नहीं चलाना, थोड़ी स्लो ही चलाना, फिर एकदम मुझे पीछे कर लेना भाई, फिर देखना है कितनी तेज चलती है अपनी गाड़ी। गाइज मुझे स्पीड पे फोकस देना है, जैसे मैं पीछे करूंगा तो मेरी गाड़ी तेज हो जाएगी बट जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी तेज नहीं हो रही भाई, जैसे हमारी नॉर्मली आगे चल रही थी ना ऐसी नॉर्मली पीछे चल रही है। और तो गाइज ये तेज भी चल रही होगी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, तो देखो भाई का मीत होता है बिल्कुल। गाइज आप लोग इस मीत को ट्राई करना और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने कंफर्म था या बस्टेड था। तो देखो गाइज ये मीत काफी ज्यादा बड़ा, रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा। मीत हम कोई भी कार रिपेयर करें या बंदा रिपेयर करे, जब हम उसे दूसरी वाली रिपेयर वाली जगह पर टू करें तो गाड़ी चली जाएगी और बंदा रिपेयर करता रहेगा, और जब गाड़ी रिपेयर होने वाली हो तो हम एस्केलेटर पर होल्ड के रखें तो गाड़ी जैसे नीचे आए तो हम कार के साथ वॉइड में चले जाएंगे।
जाएंगे। तो गाइस भाई के मीत का कहना है, जैसे मैं इसे रिपेयर पे लगाऊंगा तो बंदा जैसे रिपेयर करता रहता है ना, मैं दूसरी जगह गाड़ी को पहुंचा दूंगा, तो जब भी बंदा रिपेयर करता रहेगा तो देख लेते हैं फटाफट से। मीत करके मैंने रिपेयर पे लगा दिया, मैं इसे दूसरी जगह पहुंचा देता हूं फटाफट से। तो हां, तो गाइस देखो, जैसे मैंने गाड़ी को दूसरी जगह पहुंचाया ना, जब भी बंदा रिपेयर कर रहा था, फटाफट से मैं एक्सीलेटर पे होल्ड करके रखता हूं, फिर जमीन में नीचे जाएगी क्या नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने इस कार के एक्सीलेटर को काफी देर तक होल्ड रखा, बट ये भाई जमीन पे नहीं जाती, यानी गाइस ये रिवॉल्व में नहीं जाती। जब भी मैं एक्सीलेटर को दबाए रखता हूं, ओ भाई फाइनली आप लोग देख सकते हो भाई ये नीचे जा चुकी है हमारे भाई कैरेक्टर के साथ। जैसा भाई ने बोला था, अब तुम गाड़ी को लेकर नीचे ही जा सकते हो। भाई कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस, आप लोग देख रहे हो यार कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। जैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम में मीट बस्टर होते हैं ना, ऐसी इसमें ही भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो भाई का मीट होता है बिल्कुल कंफर्म। ओके, तो नेक्स्ट मीट, अगर तुम कार लेकर एक्शन के पीछे जाओगे तो 360 कैमरा लगाकर देखोगे तो तुम्हें एक्शन की कार से दिख जाएगी। तो चलो गाइस इस मीट को भी कंफर्म या बस्ट करते हैं। देखो गाइस मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया, बट मैं अपनी तरफ से 100% करूंगा कि भाई ये प्रॉपर तरीके से करूं। तो हां, तो गाइस पीछे की ओर आ चुके, अब 360 वाला कैमरा एंगल लगा के देखते हैं कि ओ भाई आप लोग देख सकते हो भाई आधी हमें गाड़ी दिख रही है, हम बाहर से भी गाड़ी आप लोग देख सकते हो, यार ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, 360 वाला कैमरा तो बड़ा खतरनाक है। तो हां, तो गाइस मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दिया इस मीट को करने में, प्रॉपर तरीके से सही भी हुआ। तो गाइस भाई का मीट होता है बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट मीट है मीट, कार को ऑफिस के दरवाजे के बीच पर लगाकर बाद में ऑफिस का दरवाजा बंद करे तो मैजिक होगा। तो चलो गाइस इस मीट को भी कंफर्म करते हैं, बस्ट करते हैं। नाइट तो हो चुकी है, हमारा सोने का टाइम हो गया, बट हम इस मीट को कर रहे। देखो भाई इजी तरीके से मैं बिल्कुल कार के बिल्कुल बीचों बीच लगा के रहूंगा इस दरवाजे के। अब गाइस आधी कार हमारी बाहर रहनी चाहिए और आधी कमरे के अंदर रहनी चाहिए, तो फटाफट से अब दरवाजे बंद करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या मैजिक होता है भाई क्या नहीं। तो ऑफिस क्लोज कर देते, ओ भाई ये तो कुछ भी मैजिक नहीं हुआ गाइस। तो देखो गाइस ये मैजिक कुछ भी नहीं है, तो गाइस भाई का मीट बिल्कुल बस्ट। ओके, तो लास्ट मीट है मीट, अगर आप कार को चलाते समय एकदम फुल स्पीड में कार को लेकर जाओ और एक पिलर के सामने ठोक दो, लेकिन ठोकने से पहले कार से एग्जिट करके आपकी कार को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो गाइस डैमेज की बात कर ले, जरा सी भाई देखो टक्कर लग जाती है, छू भी जाती है, तो डैमेज बहुत तगड़ा होता है, बट करके देखते हैं इस वाले मीट को कंफर्म होता है बस्ट। फुल स्पीड में लेकर जाएंगे, फिर एग्जिट कर देंगे किसी पिलर में ठोक कर। तो गाइस देखो हम सामने वाले पिलर में ठोकने वाले, फिर देखेंगे बाद में कि हमारी कार को डैमेज होता है कि नहीं। फटाफट से एग्जिट बटन दबा देते हैं। ओ भाई जैसे मैंने एग्जिट दबाया ना, काफी तेज स्पीड में गई भाई इस गाड़ी का क्या कचूमर बना हुआ। तो देखते भाई डैमेज होता है क्या नहीं। ओ भाई बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ गाइस, आप लोग देख सकते हो, तो मतलब कि ये मीट है बिल्कुल कंफर्म। तो देखो गाइस मैंने आपको टॉप 10 मीट कार फॉर सेल के मीट बतला दिए, ये मेरे फर्स्ट मीट थे जो कि इस गेम के थे, बट मुझे पता नहीं ऐसे गेम खेलना भी नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आगे इस गेम के मीट बनाऊं क्या नहीं। तो गाइस आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने अपने एक मीट जरूर बताना।